हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर नैतिक एकेडमी। चलो सो आज का वीडियो है अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे वैल्यू ऑफ एबीसी फाइंड आउट करते हैं। आज हम देखेंगे सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बट कैसे, फॉर्मूला मेथड से। सबसे ईजी मेथड है वो। अब हर एक वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, बट ये वीडियो में आप इजी से इजी मेथड कि कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे लर्न आउट करना है आपको ये फॉर्मूला। ओके, सो देखेंगे अभी वीडियो। चलो सो इसमें क्या होता है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। अब ये फॉर्मूला है क्या, चलो देखेंगे। माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये हो गया फॉर्मूला। सबसे इजी फॉर्मूला है, देखो माइनस बी प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, सबसे इजी है। अभी इसमें सिर्फ वैल्यू पुट आउट करनी है। सो वैल्यू चाहिए मतलब उसमें क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। सो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने पहले वीडियो में देखा है कैसे, कंपेयरिंग विद गिवन जो इक्वेशन दिया है उसको कंपेयर करना है किससे, जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। चलो ये इक्वेशन आपका जनरल इक्वेशन है, ये इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है। चलो कंपेयर करना है मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए है। इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है मतलब इधर वन होता है। सो ए की वैल्यू तो वन हो गई, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है। चलो नेक्स्ट वन, अभी बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है। चलो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, इधर सिक्स है। चलो बी भी हो गया सिक्स, उसके बाद है कॉन्स्टेंट टर्म सी। सी इंडिविजुअल है कुछ भी, जो इसमें इंडिविजुअल क्या है, प्लस फाइव, सॉल्व सी इज इक्वल टू फाइव। अभी तो वैल्यू मिल गई है ए बी सी की, ये वैल्यू सिर्फ पुट अप करनी है किसमें, इस फॉर्मूला में। चलो पुट अप कर देंगे, माइनस ऑफ माइनस का एज इट इज हो गया, बी की वैल्यू क्या है सिक्स वो भी पुट कर दी, प्लस और माइनस भी कर दिया, इन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, चलो सिक्स का स्क्वायर कर दिया, माइनस माइनस कर दिया, फोर इन टू ए क्या है वन है, सी क्या है फाइव है, चलो कर दिया। अभी नीचे क्या लिखा है, टू ए, सो टू इंटू ए की वैल्यू वन है, सो वन पुट अप कर दिया। सबसे लास्ट में अभी क्या बचा है, माइनस सिक्स प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ, अभी एक 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 सॉल्व करेंगे, सिक्स का स्क्वायर दिया है 36 आ गया, माइनस का माइनस कर दिया, फाइव फोर का 20 हो गया, अपॉन टू वन सर टू हो गया। चलो इतना तो सॉल्व हो गया है, अभी आगे सॉल्व करना है। अभी इससे भी इजी हो गया वो, माइनस सिक्स का माइनस सिक्स लिख दिया है, प्लस और माइनस एज इट इज लिख दिया, इन स्क्वायर रूट ऑफ, अभी इसका माइनस करना है 36 में से 20 माइनस करना है, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 2 गया 1, अपॉन 2 हो गया। अभी ये तो पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू क्या होती है, 4। चलो सो लिखेंगे माइनस 6 प्लस और माइनस, ये एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालना है मतलब इधर 4 आ जाएगा, अपॉन 2। 4 कैसे आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 81 होगा तो वैल्यू 9 होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा तो 5 आ जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 है। अभी तो ये पता चल रहा है कि इधर क्या होता है, दो दो वैल्यू है, माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2, और दो वैल्यू है माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और है माइनस सिक्स माइनस फोर अपॉन टू। कैसे, प्लस और माइनस लिखा है फॉर्मूले में, इसलिए एक बार प्लस फोर लिखना है एक बार माइनस फोर लिखना है। चलो उसके बाद अभी ये पता है माइनस प्लस माइनस होता है,
सिक्स में से फोर गया टू आ जाएगा, और बड़े का साइन माइनस देना भूलना नहीं है, अपॉन टू। अभी ये तो पता है कि अगर डिवाइड किया तो ये टू वन सा टू आ जाएगा, चलो टू वन सा टू, आंसर इज माइनस वन। चलो एक की वैल्यू तो आ गई, अभी सेकंड की वैल्यू भी निकालनी है। सेकंड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस, सिक्स प्लस फोर टेन हो गया, उसके बाद बड़े का साइन देना भूलना नहीं है, बड़े का साइन क्या है माइनस, चलो माइनस भी दे दिया, उसके बाद अपॉन में टू है, ये भी हो गया टू फाइव सा टेन, आंसर इज माइनस फाइव। मतलब दो वैल्यू मिल गई है, वैल्यू क्या है माइनस वन और माइनस फाइव। ओके चलो आपके सामने अभी ये पूरा एग्जाम्पल हो गया, माइनस वन और माइनस फाइव इसकी वैल्यू आ गई। अगर इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजी मेथड से या फॉर्मूला मेथड, ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है उसके रूट्स निकाले हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। चलो आज के लिए फॉर्मूला मेथड हो गई है, अगला वीडियो अगली मेथड से होगा, अभी फॉर्मूला मेथड हो गई है, अभी कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड आ जाएगा अगले वीडियो में। ओके सो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर ये नैतिक एकेडमी आपको ज्वाइन करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसमें फॉर्म फिलअप करना है, 24 आवर्स में आपको कॉल आ जाएगा। ओके थैंक यू सो मच।